चाइना का जो ग्रेट वॉल है, सुना होगा आप, लंबा सा एक वॉल है, कोई बोल सकता है कि कब बना होगा? चलिए कोई बात नहीं, 2050 बीसी में बना और 1050 बीसी में खत्म हुआ। 100 साल में इतनी बड़ी लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था। उसके बाद तीन वॉर यानी कि तीन बार जंग लड़ा और तीनों बार इस वॉल को, इस दीवार को बनाने के बावजूद तीनों बार उस जंग में चाइना हार गया। जानते हो क्यों? ये इसलिए क्योंकि उनका जो दुश्मन था, और दरवाजे से कैसे आया, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो करप्ट थी। उनको पैसे देके या उनको सोना देके चांदी देके वो अंदर घुस गए। तो पहली बार चाइना को ऐसा लगा, बॉस दीवार बनाने से कोई काम नहीं होता है, हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे साथ लॉयल हो, वो आदमी चाहिए जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, और वो आदमी चाहिए जो देश के प्रति देशभक्त हो। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम गल्ले में किसको बिठाते हैं? अरे गेरे को बिठाते क्या? कोई एमबीए को बिठाते क्या? हम उस मुनीम को बिठाते हैं जो लाल किताब लेकर ऐसा जाता है रोज घर पे, हर एक पैसे को गिन गिन कर संभाल के रखता है। यहां पे कोई भी एंटरप्रेन्योर को पूछ लीजिएगा आपके गांव में, आप गल्ले में किसको बिठाते हो? उसी आदमी को बिठाते हैं जो दूसरे के पैसे को हाथ तक नहीं लगाता। कैरेक्टर। तो जब आप अपनी एम्प्लॉईज को या अपने नीचे में किसी को सेलेक्ट करोगे, उसकी कैरेक्टर देखना बहुत जरूरी है। उसकी क्वालिफिकेशन तो बाद में आएगी, अगर नहीं भी रहेगी उसको क्वालिफिकेशन सिखा सकते हैं अपन। ये चाइना पैराबल सिखाता है। बहुत लंबी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं उसको काट छाट के दो लाइन में बता रहा हूं आपको मैं। अब चलिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे, रोमन कैथोलिक में बाद में आएंगे, अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे चलिए। आप लोगों ने सुना होगा अजमल कसब आया था बंबई में, जिस शहर में मैं रहता हूं, आया था। अब अजमल कसब आया 10 लोगों के साथ में, बड़ा ताजमहल होटल पे घुस गया, ट्राइडेंट होटल पे घुस गया, ज्यूइश हाउस में घुस गया, मारने लग गया, वीटी स्टेशन में 200 लोगों के ऊपर हत्या किया। क्या हुआ? दिल्ली में बैठकर पार्लियामेंट कमेटी एक मीटिंग कर रही थी और एक टीम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ग्रुप 52 नंबर को तैयार करके उनको कहा गया था एनी टाइम रेडी के मोड में रहना। तो लोगों ने अपने जूते वीते पहनकर, सब आर्म्स वाम्स लेकर, सारे कपड़े वपड़े पहनकर रेडी खड़े हैं, और रेडी कितने घंटे खड़े हैं? 18 घंटे खड़े हैं, 18 घंटे, क्योंकि 18 घंटा वो मीटिंग चला पार्लियामेंट में। 18 घंटे के बाद उनको परमिशन आया कि स्टैंड, उनको हाँ, अंग्रेजी में ये कहते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब एवरीथिंग ऑन प्लेस और स्टैंड बाय, रेडी खड़े रहो, बोलते बराबर ही उड़ जाना चाहिए। स्टैंड बाई मोड में खड़े थे एसपीजी 52। आप देखिएगा जाके हिस्ट्री में, 2008 की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। उन्होंने अपना सामान, 18 घंटे के बाद उनको ऑर्डर मिला, चलिए जाके अटैक कीजिएगा। उसके बाद वो सारे लोग अपने गन को उठाकर प्ले बस में डाला, बस में से पालम एयरपोर्ट गए, पालम एयरपोर्ट में उसको प्लेन में डाला, प्लेन में बैठकर उड़े। वो 2 घंटे के अंदर उसके कैप्टन ने ब्रीफिंग किया कि कहां कहां आतंकवादी बैठे हुए हैं, हमें करना क्या चाहिए। प्लानिंग हुई पूरे टीम के बीच में, पूरे टीम के बीच में प्लानिंग होने के बाद जब सांताक्रूज एयरपोर्ट में उतरे बंबई में, तो उनको खबर दिया गया, भाई साहब हमारे यहां तो आतंकवादी 3 जगह पे है और कैप्टन कितना? 1। कैप्टन कितना? 1। और आतंकवादी किधर है? 3 जगह पे है। तो आपको तो 3 कैप्टन चाहिए, वो तो है ही नहीं और आपके पास वक्त नहीं है। तो क्या किया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? क्या करती है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? जब आदमी आगे जाता है, कैप्टन आगे जा रहा है, कैप्टन को गोली लग गई, मर गया, तो बाकी लोग वापस नहीं हो जाते? जो नंबर 2 रहता है वो नंबर 1 बन जाता है, जो नंबर 3 रहता है वो नंबर 2 हो जाता है, नंबर 4 जो रहता है वो नंबर 3 हो जाता है। क्या सिखाती है ये चीज? अब देखिएगा, सांता क्रूज एयरपोर्ट में उतरे, बस में अपने अम्युनिशन को डाला, पहुंचे ताजमहल होटल,
ताजमहल होटल की जो मैप है, रूम बाय रूम की जो मैपिंग है, वो बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में 100 मीटर दूर पड़ी थी, इनको दिया नहीं गया। आर्मी की पगार में ताजमहल होटल जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि एक चाय वहां पे 600 रुपए की है, कोई जा नहीं सकता वहां पे। लेकिन उनको बोला क्या गया, एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए और एक भी सिविलियन मरना नहीं चाहिए, दो ही कानून था और कुछ नहीं था, एक भी सिविलियन मरना नहीं चाहिए और एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। अब पहली बार, और कमांडोस की क्या आदत रहती है मालूम है, कमांडोस बहुत सिंपल काम करते हैं, बहुत ही सिंपल काम। उनके पास एक बॉम्ब होता है जिसको अंग्रेजी में कमोटोस बॉम्ब कहते हैं। कमोटोस बॉम्ब मतलब उस बॉम्ब को जब फेंकते हैं उसमें से धुआं निकलता है, उस धुआं में से आपको चक्कर आता है और आप चक्कर आके गिर जाते हो। आपने चक्कर आके गिरा, इसने अपनी बंदूक उठाई, धड़ 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 करके गोलियां बरसाई, आपको खत्म किया, जाके पकड़ लिए। ये कमांडो की ऑपरेशन होती है। उस कमांडो ऑपरेशन को यह बोला गया कि भाई एक भी सिविलियन नहीं मरना चाहिए। और कितने रूम है, 1000 रूम है। अब हर एक कमरे में ऑप्शन 3 होता है, कमरे में आतंकवादी हो सकता है, कमरे में आतंकवादी और पर्यटन हो सकता है, टूरिस्ट हो सकता है, ओके, और दूसरे कोई कमरे में सिर्फ टूरिस्ट ही हो सकता है, ऑप्शन 3 है। और किसी को भी आप नहीं जानते हो, ना आतंकवादी को जानते हो, ना टूरिस्ट को जानते हो, ना होटल जानते हो, रूम खोलना ये नहीं जानते हो। लेकिन उन्होंने एक एक रूम को छलनी मारा, एक एक रूम को फिल्टर किया, उसको सिक्योर किया और एक भी सिविलियन को मरने नहीं दिया और सारे के सारे आतंकवादी को मारा, भले ही उनमें से 2 लोग शहीद हुए। इसको कहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ी चीज है सीखने का। ये सारी चीजों को जब आप पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और सोच विचार कर कर पढ़ना, पढ़ना मतलब ऐसे नहीं जैसे कोई आप बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, आराम से पढ़ो। जब आराम से पढ़ोगे इसकी तात्पर्यता समझ में आएगी, इसकी जो स्प्रिट है वो समझ में आएगी। अब मैं आ रहा हूं स्प्रिट पे आ रहा हूं, अब चलते हैं उसको छोड़ के अपन गुड लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स के पास जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे महारथी है। मैं अभी आते आते गाड़ी में आते आते एक बोर्ड देखा आपके गांव में, यस राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने मेरे मित्र निर्मल जी को बताया, यार मुझे इंस्टीट्यूट में जाना है, यार मुझे देखना है कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन का कुछ भी यहाँ पे है क्या। अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात, रहेगा तो बहुत अच्छी बात। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो जानता होगा, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो वो तो अपनी इंस्टीट्यूट को बहुत बेहतर चलाना चाहिए। मैं तो आ रहा था इनकी एकेडमी में और सोच किसकी रहा था देखिएगा। क्यों सोच रहा था, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो कैरेक्टर थी वो बहुत सुप्रीम थी, उनकी जो सोच देश के प्रति थी वो बहुत ही हाई था। हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस ग्लोबल लीडर पे एक महापुरुष का लेना चाहता हूं, जिनके साथ मैंने काम भी किया है कुछ। इनके पास एक कहानी है इनके बारे में। जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बने तो इनको इडली बहुत पसंद है, क्योंकि ये मद्रासी है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में इडली ढंग से नहीं बनता था, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी जो आते थे नॉर्थ इंडियन प्रेसिडेंट आते थे, राधा कृष्ण के बाद वेंकटरामन, वेंकटरामन के बाद अब्दुल कलाम जो तमिलनाडु से आ रहे हैं, बाकी सब तो नॉर्थ इंडिया के थे। तो इडली के ऊपर बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने सोचा यार इडली कैसे बनेगी अच्छी, एकदम सॉफ्ट, एकदम फूल सरी का सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ की इडलियां बड़ी हार्ड बनती है, जिसको खटिए के नीचे रखकर तोड़ना पड़ता है। माफ कीजिएगा लेकिन आपकी स्किल को मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यहां का फूड नहीं है, इसीलिए ढंग से नहीं बनती है। तो किसी ने पूछने को लगाया, तो संजीव कपूर जो है उसने बताया, वो आप मिक्सर में पीसते हो, उसको मिक्सर में तब पीछेगा, वो ग्राइंडर जो होता है इडली का ग्राइंडर होता है उसमें पीसना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो उनका ऑफिस स्टाफ ने पूछा, सर ऑर्डर कर दे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट को
इडली की ग्राइंडर जिसका भाव 5000 के नीचे है उसे खरीदने में कोई किसी को पूछना नहीं पड़ता, सिर्फ बोलना पड़ता है हाँ खरीद लो, खरीदा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट है वो, कंट्री का प्रेसिडेंट है। लेकिन कलाम साहब ने कहा नहीं, इंडेंट नहीं बनाओगे उसके, उसको इंडेंट कहते हैं गवर्नमेंट में फॉर्म भरने के लिए, एक इंडेंट कहते हैं, इंडेंट नहीं बनाओगे। तो किसी ने पूछा क्यों? देख यार मैं मद्रासी, मैं अगर चला जाऊंगा मेरे बाद उस सामान को ये गवर्नमेंट करेगी क्या? वेस्ट हो जाएगी। अगर मेरे लिए इडली चाहिए तो मैं खरीद लूंगा, चिंता मत करो। ये सोच है, एक प्रेसिडेंट की सोच है। प्रेसिडेंट को कितने बड़े बड़े चीजें पड़ी हुई है, उसका सोच देखिएगा, इडली ग्राइंडर में भी है। अब सुनिएगा आगे की कहानी। प्रेसिडेंट जाते हैं मद्रास, इडली ग्राइंडर खरीदते हैं, जेब में पैसा नहीं होता, दुकानदार पैसा लेने से इनकार करता है और वो बोलते कि बिना पैसे का तो मैं लूंगा नहीं, और उसके बदले में वो एक अपना चेक देते हैं। दुकानदार बड़े मुश्किल से उस चेक को ले लेता है, इडली ग्राइंडर दुकान से लेकर उनकी गाड़ी में चले जाती है, गाड़ी में से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में से राष्ट्रपति भवन, गया, कहानी खत्म। तो यहां पे रूल क्या है? लेटर ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ क्या कहता है? भाई आप कोई भी पोस्ट में हो, आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं लेना चाहिए, भले ही आप प्रेसिडेंट हो। आपको अपने जेब से खर्चा करना चाहिए, लेटर ऑफ लॉ। अब कहानी यहां नहीं रुकी, ग्राइंडर पहुंच गया, 2 महीना हो गया वो डब्बा खुला ही नहीं। तो एक सज्जन ने पूछा, सर वो ग्राइंडर जो लाया है वो इडली बनाने के लिए अंदर ले किचन में? बोले अच्छा हो गया यार, याद किया तूने, वो एडीसी को बुलाओ, एडीसी को बुलाओ। एडीसी ने उनका एक पर्सनल असिस्टेंट नेवल ऑफिसर होता है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया, यार पता लगाओ उस दिन जो चेन्नई में या मद्रास में हमने जो चेक दिया था उसका हुआ क्या? तो एडीसी ने पूछा, हुआ क्या मतलब? अरे यार समझा करो, मेरे बैंक अकाउंट में आया ही नहीं। बोला अच्छा ठीक है, पता लगाते हैं। इसने किसी को फोन किया, वो आदमी दुकान में पहुंच गया, दुकान के गल्ले में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको बोलता है, भाई साहब आपके यहाँ वो प्रेसिडेंट साहब आए थे ना, कलाम साहब, उन्होंने इडली ग्राइंडर, हाँ 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 बिल्कुल याद है, हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने एक, बस इतना ही बोला, उन्होंने एक इतना ही बोला उसने और वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोलने वाला था, यार उन्होंने वो चेक दिया उसका हुआ क्या, वो बोलने वाला था। लेकिन उसके पहले उसने देखा कि उस चेक को बस्त फ्रेम करके ऊपर उसके सर के ऊपर लटका के पड़ा हुआ है। तो उसने बोला, ये बेटा उतार इसको, इसके लिए तो आया हूं मैं, पूरी राष्ट्रपति भवन में वहां पे आग लगी हुई है और तू चेक लेके बैठा हुआ है यहां पे। बोले इसको उतार, बैंक में डाल। बोले साहब आपको क्या फर्क पड़ता है? बोला बहुत फर्क पड़ता है, तो उतार चल मेरे साथ में। तो उसने बहाना भी बनाया, अभी तो बैंक बंद हो गए। बोले बैंक मैं खुलवा दूंगा, मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूं, चिंता मत कर, चल निकल मेरे साथ में। उसको लेके गया बैंक में, उस चेक को डाला। अब कोई मैनेजर की कोई धैर्य थोड़ी है कि प्रेसिडेंट का चेक को कोई डिसऑनर कर देगा। तत्काल पास हुआ, राष्ट्रपति भवन को फोन गया कि बस सर चेक पास हो गया, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया सारा चीज। उसके बाद कलाम साहब ने उस मशीन को किचन में यूज करने की परमिशन दी। मात्र 4,800 रुपए की चीज है जिसको लेटर ऑफ स्पिरिट कहते हैं। लेटर ऑफ लॉ क्या कहता है? आपने चेक इश्यू किया, आप भूल जाओ। लेटर ऑफ स्पिरिट क्या कहता है? वो पैसा जो मेरे जेब से निकलकर उसकी जेब में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, फुल स्टॉप। कोई इफ कोई बट नहीं, जाना चाहिए। यहां पे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, इस उदाहरण को और बहुत सरलता से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, लेटर ऑफ लॉ और लेटर ऑफ स्पिरिट जो है वो, आप लोग कॉलेज जाते हैं तो आप लोगों की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 75%, राइट? 75% से कम होगा तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, 75% से ज्यादा होगा तो बैठ सकते हैं, पास नहीं हो जाओगे। अच्छा, लेकिन किसी ने यह पूछा कि 75% की अटेंडेंस की जरूरत क्या है, क्यों बोला गया? आपके तरीके से आपने जो समझा होगा बताएंगे कोई? हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए, खड़े रहकर बताइए। हाँ वो जरूरी है। बिल्कुल नहीं सर, आपने कानून लेटर ऑफ लॉ को समझा ही नहीं।
लेटर ऑफ लॉ और लेटर ऑफ स्पिरिट इस चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कॉलेज को गांव में ले जा सकते, क्योंकि गांव का किसान का बच्चा भी कॉलेज आके पढ़ना चाहता है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो अपने पिता को उसके फार्म में या उसके जमीन पर बीज बोने के लिए या फसल काटने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसको लेबर नहीं मिलता है, तो उसको छूट देनी चाहिए ताकि उसको 25% की छुट्टी मिले, बाकी 75% कम से कम वो सीख ले। इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, मैं किसान करके अगर लिख दूंगा तो आप नेक्स्ट शनापन क्या करोगे मालूम है? किसी और के जमीन के ऊपर पेपर रखकर अपना नाम डालकर मेरे पास भी किसान है आप लेके आ जाओ। इसीलिए किसान नाम का शब्द यूज नहीं किया। 75% की क्वालिफिकेशन इसलिए दी गई थी कि गरीब लोग जो कॉलेज तक पहुंच नहीं सकते लेकिन वहां पे भी काम करना पड़ता है, उनकी माफी के लिए उस एडजस्टमेंट है। तो हम शहरवासियों को क्यों क्या करना है? हम शहरवासी क्या करते हैं? मॉल में बैठते हैं, सिनेमा देखते हैं। क्या कौन सा फिल्म निकला ये साल? ये भी अभी कौन सा निकला ये वीक में? जो भी निकला, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, बकवास मूवी है, मैंने देख लिया, बिल्कुल पलट के भी मत देखना। ठीक है, अब इसे देखने के लिए हम कॉलेज को कट मारकर कॉलेज जाते हैं और वहां पे करीब 75 के बदले में 74 हो गया, तो टीचर से या प्रिंसिपल से जाके लड़ते हैं, 1% तो कम हुआ। आपको समझ नहीं रहा है, आपका परसेंटेज 26% कम हो गया, 1% नहीं 26%, क्योंकि वो जो फैसिलिटी है वो आपके लिए है ही नहीं, वो तो उस गरीब किसान के बेटे के लिए है जिसके अंदर एक थी कि मुझे भी कॉलेज जाना है, वो उसके लिए है, उसके लिए तो थी नहीं, फिर भी आपने उसको यूज किया और 1% के ऊपर प्रिंसिपल से जाके लड़ना शुरू कर दिया। देखिए, अब जब ये सोच आएगी लेटर ऑफ लॉ और लेटर ऑफ स्पिरिट के बीच में जो फर्क है वो जानने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लाइफ कैसे लीड करना चाहिए। जो आईआरएस साहब थे उन्होंने कहा कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं ना नहीं कहता, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, लेकिन उससे जब वो कर रहे हो आप, जब वो चीज आप कर रहे हो, आपको लगता है मेरे बारे में जो भी यहां पे अनाउंसर थे, पता नहीं उनका नाम क्या था सर, बड़े अच्छे एंकर थे, एंकर साहब किधर गए? हाँ, आनंद जी ने कहा कि ये एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट गुरु है, सब बाबा जी का टुल्लू है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं, कुछ नहीं है। जानते हो आपने मुझे क्यों याद किया या ये एकेडमी ने मुझे क्यों याद किया? इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि 18 साल से बिना एक दिन चुके मैं रोज लिखता हूं, रोज। उसलिए बुलाया गया, मैनेजमेंट गुरु फलाना डिगाना, सब सब उल्लू है, सब झूठ है। सच ये है कि मेरे घर में भी कोई मरा, मेरे घर में भी कोई हॉस्पिटल गया, मेरे घर में मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरे यहां भी शादी हुई, इसके बावजूद भी सुबह रोज 6 बजे वो कॉलम लिखा जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। और तकरीबन 2.5 घंटा उसके पीछे जाता है, 2.5 घंटा जाता है 18 साल से। मेरे को एक चीज आप बता दीजिएगा जो आप 18 साल से रोज उसी गति में आप कर रहे हो। अगर आप वो कर रहे हो तो आप यहां खड़ा रहने के लायक हो, आप आईएएस बनने के लायक हो, आईपीएस बनने के लायक हो, सिविल सर्विसेज में जाने के लायक हो, क्योंकि आप में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है। मेरे ख्याल से उन्होंने भी मांझी की बात बताई, मैं भी बनाकर लेके आया था, जरा सा बता देंगे उसको, अब देखिएगा, यही तो बाहर था तो दशरथ मांझी तोड़ना चाहता था, यही तो बाहर था, वो 300 फीट वाला बड़ा माउंटेन, उसको एक किससे, एक छीनी
और एक हथौड़ा, 20 साल। देखो ये तो सामान है उसकी। यार उस आदमी को मैं सलाम करता हूं जिस आदमी ने पहाड़ के सामने खड़ा रहकर कहा कि मैं तेरे को निकालूंगा बेटा, रुक जा। और 20 साल बाद उसी पहाड़ ने उसको देखकर कहा, तू है यार मनुष्य, तू जा, मैं हट जाता हूं। उसी पहाड़ ने कहा, कुछ भी बोलो, उसने गैरकानूनी किया, पहाड़ को तोड़ा, नहीं तोड़ना चाहिए, वो सब अपनी जगह पे। यस, मैं उस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपको पहाड़ तोड़ने का अधिकार है, नहीं है आपको। लेकिन उसे या एक एडमिनिस्ट्रेटिव होने के नाते, एक एसडीओ होने के नाते आपका काम क्या था? आपका काम वो कृष्णा का काम था, आप उजाला थे, आपको जाना था उस डार्कनेस के पास, आप नहीं गए तो उसने तोड़ा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उसने सही किया, नहीं किया, कानूनी तौर पे गलत है, लेकिन उसको मजबूर हुआ क्योंकि रोशनी जाने से इनकार कर दिया। तो सिविल सर्विसेज पे आप रोशनी हो, आप एक उम्मीद हो, आपको जाना पड़ेगा उस डार्कनेस के पास।